एक समाज से काम नहीं होता। जैसे एक बैल से आप हल नहीं जोत सकते, दो चाहिए। तो भाई ऐसा है, देवली उन्यारा और खंडार के दो तो यहीं खड़े हैं, जोत लेना जिसको। और मैं ये चाहता हूं, क्योंकि सरहदें दोनों लगी हुई हैं, तो जब आप सबके आशीर्वाद से हम दोनों पहुंचेंगे जहां हमें पहुंचना है, तो एक केकड़ी के कोने से और एक मध्य प्रदेश तक के कोने से दोनों के दोनों बैल हल से पूरे देवली उन्यारा खंडार को ऐसे जोतेंगे दुनिया देखेगी। और एक बात और, खंडार बहुत पिछड़ा है साहब, और हम सब मिलकर के खंडार को वहां लेकर आ जाएंगे जहां दुनिया बोलेगा ये खंडार है, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो कितना बढ़िया। और ये आप भी करेंगे और हम भी करेंगे और हम सब मिलकर ये करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले 25 तारीख को हम सबको मिलकर के कमल का बटन मशीन में इतना दबाना है कि मशीन ही काली पड़ जाए, और फिर इतना और दबाना है कि फिर से धौड़ी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटवाल जी को मेरा पूर्ण समर्थन है, हम दोनों भाई हैं, और आप इस भाईचारे को कायम रखें और इनको जोर शोर से जितने वोट हो सके उतने 100 में से 100 डाल करके जिताएं। मेरा आपसे अनुरोध है। और हम सब मिलकर के एक सशक्त सरकार बनाएंगे और वहां पर गोटवाल जी को मंत्री होकर के देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना दुलार दिया। और वो कहते हैं ना अपने गांव में, या तो भैंसा भैसन में या तो फिर कसाई के जाए। बाकी दूसरी बात तो है, गन्ना तो सीधा भी मीठा और टेढ़ा भी मीठा, जैसे चौंके और चौंके ज्यादा, ये तो ठाठो यहाँ गन्ना मीठो ही है।